Hey guys, what's up? Welcome back to another video. लेके आज के तुम लोगों के लिए एक और भाई साहब एपिसोड नंबर 4 है ये, और जो तुम लोग का सपोर्ट मिल रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो भाई साहब आज का टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा था कि मैं बोल पाऊँ ढंग से। तो आज का टॉपिक है भाई साहब की कलम इंक हसलर से, यानी कि MC Square और पैराडॉक्स। मैं इन्हीं दोनों को लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जो है वो बेस्ट हैं अभी के लिए, और सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी भी इन्हीं दोनों को मिली है। तो इन दोनों में क्या अच्छाई है और क्यों कलम इंक जो है वो किसी एक कैटेगरी में ऊपर आते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कलम इंक की। तो कलम इंक जो है वो अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो स्पॉटिफाई का खेल होता है जहाँ पे पैसे मिलते हैं भाई, ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो कलम इंक के जो मंथली लिसनर्स हैं वो करीब मतलब 366,000 तो मैंने देखा था, अब शायद से बढ़ गए। तो वो चीज़ हम लोग को देखने को मिली है कलम इंक के स्पॉटिफाई से। वहीं अगर हम लोग बात करें MC Square से, तो MC Square के यार देखो 1.8 मिलियन हैं लिसनर्स, लेकिन उसमें से कई सारे गाने जो हैं वो खान फोर म्यूज़िक पे पड़े हैं। मतलब समझ रहे हो ना, खान फोर म्यूज़िक जो कि इन सब का वीडियो डालता है हसल का, तो हसल के साथ जो भी इन्होंने गाने गाए हैं, क्योंकि ज़्यादा फेम भाई हसल से ही मिला है इन दोनों को, MC Square और पैराडॉक्स को। तो MC Square के जो गाने हैं यानी कि रोम रोम हो गया, इसी पे 1 मिलियन लिसनर्स हैं मंथली, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और अभी के लिए हाल ही में उनका एक गाना भी आया था जो कैसा था, घनी से आनी करके, तो उसके ऊपर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे, मतलब लिसनर्स आ गए थे स्पॉटिफाई पे। तो इसलिए उनकी जो लिसनर्स है मंथली लिसनर्स वो बहुत ही हाई है। पर वहीं अगर हम लोग बात करें पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स इन सबसे ऊपर आते हैं। इन सबसे ऊपर आना भी बनता है क्योंकि वो जो है स्लो म्यूज़िक में भी उतना ही बीस्ट है जितना वो हार्ड कोर म्यूज़िक में है। तो आपको पता है कि हाल ही में भी गाना आया था परफी, तो परफी पे यूट्यूब पे 1.6 मिलियन हो चुके हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें स्पॉटिफाई पे, तो उस पर भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनके टोटल जो हम लोग मंथली लिसनर्स देख रहे हैं वो अराउंड 2.6 मिलियन तक हैं। और आपको पता है कि हसल में उन्होंने जितने भी ट्रैक्स गाए हैं, चाहे वो मतलब हर एक गाना, मैं ऐसा नाम भी नहीं ले सकता, गैंग वाले मुंडे हो या फिर छोरे NCR वाले हो या फिर जादूगर मिल्यानी में, ऐसा मतलब हर एक गाना, ग्लिच कितना बढ़िया चला था, तो ये सारे गाने जो है वो उनके ट्रेंडिंग थे, इस वजह से अभी तक लोग उसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कलम इंक की, तो कलम इंक हाल ही में अभी स्पॉटिफाई वगैरह को ध्यान देने लग गए हैं। अगर पहले से ध्यान देते तो अलग बात थी, पर नाउ स्पॉटिफाई पे भी उनके जो लिसनर्स हैं वो हमेशा बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घट ही जा रहे हैं हर महीने। लेकिन उनका जो सीन है अभी के लिए वो स्पॉटिफाई पे हम लोग को कम होते हुए दिखा है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भाई साहब मचा रखे हैं ये सारे के सारे लड़के, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट राइट नज़र आ रही है। तो आपको पता है कि कलम इंक जो है वो 2 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, और जो पैराडॉक्स हैं वो भी यहाँ पे 3 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मंथली लिसनर्स हैं यूट्यूब पे, यानी कि व्यूज़ के हिसाब से, लिसनर्स तो मैं नहीं बोलूँगा व्यूज़ ही बोलूँगा, तो उसके हिसाब से MC Square और पैराडॉक्स ये दोनों के दोनों नीचे आते हैं कलम इंक के, क्योंकि कलम इंक के पिछले एक महीने में 6.7 मिलियन व्यूज़ आए हैं, जो कि आपको पता ही है भाई साहब हर एक गाना जो है वो मिलियन हिट कर रहा है। और यहाँ पे जिंदगी का बहुत बड़ा हाथ है इस 6.7 मिलियन में, क्योंकि जिंदगी पे 3.4 मिलियन व्यूज़ तक आ चुके हैं अभी तक, और भी बढ़ते ही जा रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि यार भाई गाना ही तगड़ा था, समझ रहे हो, मज़े आ गए थे। तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करें पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स जो है वो एक्टिव थे पहले, लेकिन हसल के बाद उन्होंने केवल एक गाना परफी डाला है अपने खुद के चैनल पे, और ये उनका डेब्यू, मतलब डेब्यू बोलोगे क्योंकि यार देखो हसल के बाद जो भी गाना आया है वो सबसे पहला परफी ही आया है, जो कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा मतलब जो किंग वाली फील थी ना, वो वाला मैं थोड़ा तेरी आंखों में मर गया, वो वाला फील से थोड़ा सा ये परफी वाला गाना था। और इसका पूरा का पूरा एक समझ लो स्टोरी बेस्ड चल रहा है, तो वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा परफी का, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि MC Square, तो MC Square ने भी अपने खुद के चैनल पे 2 गाने आ रखे हैं हसल के बाद। पहला गाना आ रखा था उनके शहनाज गिल के साथ, जो कि DMF पे आया था घनी से आनी करके, जो कि हरियाणवी कट्टर मज़ेदार सॉन्ग था, तो वो चीज़ आया था। और इनके खुद के चैनल की बात अगर हम लोग करें, क्योंकि हमको भी पता है कि जो दूसरे चैनल्स होते हैं वो बूस्ट करते हैं, एड्स चलाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, वहीं पे अगर हम लोग इनके पैराडॉक्स के मतलब खुद के चैनल की बात करें, पैराडॉक्स नहीं MC Square,
तो इनके खुद के चैनल पे केवल 1.6 मिलियन ही व्यूज़ हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अभी अपना ट्रैक डाला था, क्या नाम है उसका, चाय और तुम करके, तो उस पर 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इसी वजह से उनके इतने व्यूज़ भी आए हैं मंथली लिसनर्स, नहीं तो वो अभी वहीं 2-3 लाख पे चल रहे थे मंथली व्यूज़ पे, जो कि पुराने गाने हैं और उनको भी उतना पूरा सुना नहीं जाता है, क्योंकि पुराने गाने मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एमसी स्क्वायर का, क्योंकि वो पोइट्री करते थे और पोइट्री के बाद जो इन्होंने कलमिंग में मतलब कलमिंग हसल में जो किया है वो नेक्स्ट लेवल किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सब चीज़ों में कलमिंग सबसे आगे है, यानी कि यूट्यूब व्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कलमिंग इज़ ऑन टॉप, और स्पॉटिफाई की बात करें तो अभी के लिए वो थर्ड पे चल रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ, तो कलमिंग ने जो हसल की मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, हसल से कंपेरिजन क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर सोचो हसल में किंग होते, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ और ये जो क्लिप आप देखने वाले हो इससे पता चल जाएगा कि जो कलमिंग हैं वो भी ट्राई कर रहे थे हसल में जाने की, और उनका 2 राउंड कंप्लीट भी हो चुका था, मतलब समझ लो नेक्स्ट लेवल हो चुका था, और वो टॉप 25 में आ चुके थे, और टॉप 25 में आके मुंबई ऑडिशन देना था जहाँ पे उन्हें टॉप 15 सेलेक्ट किया जाता। लेकिन उसी के बीच में स्कैम हो जाता है इनके साथ, वही मतलब जो होता है ना कि पैसे खिला के सब सीन होता है। लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि हसल बहुत जेन्युइन था, लेकिन उसके जो काम करने वाले थे वो थोड़े से लेफ्ट राइट हो गए थे, तो उसके ऊपर भी इन्होंने चर्चाएं की हैं, वो भी तुम लोग क्लिप देख सकते हो, अगर मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगा। तो अगर सोचो कि कलमिंग हसल में होते तो उनका क्या ही फैन बेस इस वक्त रहता, लेकिन अभी भी जो चल रहा है ना खुद के दम पे चल रहा है, इंडिविजुअल चल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम लोग के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी सब्सक्राइबर के तौर पे चले या फिर हम लोग यूट्यूब व्यूज़ के उस पे चले, तो यूट्यूब पे तो भाई ने धमाल मचा दिया, यानी कि 600 सब्स भी हो चुके हैं आज ही के आज। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एमसी स्क्वायर की तो 200 सब्स हैं, और वहीं अगर हम लोग बात करें पैराडॉक्स की तो 350 सब्स के आसपास है। तो बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं और सारे अपने गाने भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कलमिंग इज ऑन टॉप। बस यही सारी चीज़ें बात करनी थी, और किसी को भी हेट मत देना क्योंकि सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं, और सारे के बंदे को मतलब मैं सुनता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कलमिंग को सुनता हूँ और व्यूज़ के लिए कलमिंग को सुनता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। व्यूज़ से ये होते तो मेरे स्टार्टिंग से ही मैं कलमिंग को चूज़ करता, पर नहीं अभी के लिए। जितने भी लोग हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं जो ओपिनियन देता हूँ ना वो कोई भी नहीं देता यार, मज़ा आती है तुम लोगों को मुझे पता है, क्योंकि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के फील तो आ ही जाता है, और साथ में बनाने का भी मन करता है कि भाई आज भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज़ रह जाती है। तो मिलते हैं तुमसे ऐसे ही अगली वीडियो में, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो बे, मजा आएगी। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।